हेलो बच्चों, हाउ आर यू? यू ऑल आर फाइन। चलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए एक बात करेंगे कि हम लोग स्कूल्स क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि जो पढ़ने का टारगेट है वो क्या है, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, क्या चाहते हो अपनी लाइफ में पढ़ के, तो क्या बताएंगे? एक शब्द में बताना है, एक शब्द में, जस्ट ओनली वन थिंग। ज्ञान। कितने लोग ज्ञान के लिए पढ़ते हैं? जस्ट हैंड्स अप, वेरी गुड। ठीक है, सिट डाउन। विद्या। चलिए विद्या, ज्ञान, और जो चीजें आप नहीं बोल पा रहे हैं मैं बताती हूँ, शायद मनी भी रिक्वायर्ड है, और मनी के लिए जॉब रिक्वायर्ड है, और जॉब तभी मिलेगी जब हम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होके पढ़ेंगे। ठीक है, जॉब तो तभी मिलेगी क्योंकि ज्ञान तो आपके ऊपर है, जब आप ज्ञान को अर्जित करना चाहेंगे तो ज्ञान तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर उस ज्ञान के साथ साथ आप चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छी जॉब भी मिले, एक अच्छे स्टेटस में हो, जॉब मतलब कुछ भी हो सकता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं कि नहीं, तो इन सारी चीजों में आपकी पढ़ाई के साथ साथ चाहिए कि एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड पढ़ाई। अब डिसिप्लिन्ड पढ़ाई को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, माउंटेन, आपसे बोला जाए छेनी हथौड़ी लीजिए, जाइए इसको तोड़ दीजिए, तोड़ देंगे? नहीं तोड़ पाएंगे ना। अब वही अगर मैं कहूं, दो चीजें मैं आपको सिखाऊं, एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि हम रेगुलरिटी के साथ डिसिप्लिन्ड होके किसी काम को रेगुलर बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो वो होता है कि आप डिसिप्लिन्ड होके और अपने काम को कर रहे हैं। ठीक है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली अगर आप कम काम कर रहे हैं तो वो पहाड़ भी टूट जाएगा। कैसे टूटेगा मैं बताती हूँ। बड़ा पहाड़ है, देख रहा हो यार नहीं हो पाएगा, ठीक है, पहली फीलिंग जो आने वाली है वो होगी नहीं हो पाएगा। सेकंड फीलिंग ये है, अगर मैं आपको तरीका बताऊं, एक दिन में पहाड़ का इतना सा पोर्शन छेनी से तोड़ना है, बस छोटा सा पोर्शन, तो तैयार हो जाएंगे ना? ठीक है, फिर सेकंड डे थोड़ा सा तोड़ लेंगे, थर्ड डे। इस तरीके से मैं अगर पूरे पहाड़ को 365 पार्ट्स में बांट दूं, 365 इसलिए कह रही हूं कि एक साल में, तो क्या तोड़ देंगे? आप तो तोड़ ही देंगे ना, क्योंकि उसको जो बड़ा सा गोल था उसको हमने छोटे 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 पार्ट्स में बांट दिया और फिर डेली बेसिस पे उसको कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपके अंदर इस बात का जुनून हो, यस मैं कर सकता हूं, तो फिर क्या वो पहाड़ बचेगा? वैसे वैसे कई पहाड़ आएंगे, हम तोड़ के आगे निकल जाएंगे, है कि नहीं? चलिए एक देखते हैं, आई कैन डू का एक्सरसाइज करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, बताती हूं मैं। आई कैन डू, अगेन आई कैन डू। ठीक है, अगर हैव योर सीट, बैठ जाइए आप। अगर ये वाली भावना आपके अंदर रहेगी तो आई थिंक कोई भी पहाड़, चाहे वो दशरथ मांझी वाला पहाड़ हो या फिर आपके जॉब, जो आपका ड्रीम जॉब है जिसके लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो चीज बचेगी नहीं आपसे। ठीक है, अच्छा एक चीज इसके साथ और डिस्कस करेंगे, जो आज के बच्चों में जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, ज्ञान की कमी हो रही है, उसके पीछे पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने एक छोटा सा बच्चा देखा होगा कौटिल्य, उसके बहुत साल पहले वीडियो वायरल हुआ था कि उसको सब कुछ पता है, वर्ल्ड मैप में आप कुछ भी कहीं से पूछ लीजिए सब बताता था। पता है क्यों बताता था? अभी मैं बता रही हूँ आपको। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रिक्शे पे बैठे हुए हैं? आई थिंक कोई बच्चा नहीं होगा, सभी लोग बैठे हुए। अच्छा, आप कितने लोग ये जानते हैं कि रिक्शा सबसे पहले किस देश में चलाया गया था, किसके द्वारा? फेको नहीं, पता हो तो बताओ, कहीं पढ़े लिखे हो तो बताना, ऐसे नहीं तो गांव में, ये तो वही आंसर हो गया ना कि पता नहीं है, हम बस हम लपेट रहे हैं मैम को। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है? मैं जानती हूँ कि आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, जस्ट सपोज दैट, क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, रिक्शे बैठ के काम कर ले रहे बस, उसके बाद से अपना काम, अगला काम कर रहे हैं। क्यों नहीं उस रिक्शे के प्रति आपकी जिज्ञासा हुई?
मैं रिक्शे की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके बारे में फुल डिटेल होना चाहिए ना। फुल डिटेल कहाँ से मिलेगी? आपके पहले तो आपका स्कूल होता है, आपके घर वाले, मम्मी पापा भाई बहन, घर में जो भी बड़े हो। उसके बाद आप स्कूल आते हैं, आपके सभी टीचर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, इनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप थोड़े आप होशियार हो गए, एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, वहां से गूगल करके जान सकते हैं। लेकिन जानेंगे तभी जब आपको जिज्ञासा होगी। और मैं ये रिक्शे की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप पढ़ाई पे चले जाएं, पढ़ाई में कोई चीज, ईवीएस में कोई चीज पढ़ रहे हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, मैप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, कंट्रीज देख रहे हैं, तो उस अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए। जो भी चीज, नई चीज दिखे उसको जानने की कोशिश करिए, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे, ठीक है। जब ये सब कर लेंगे ना तो आपकी नॉलेज बिल्कुल बढ़ जाएगी। आप भी कौटिल्य से कम जानकार नहीं होंगे। कौटिल्य में यही चीज थी, वो अपने दादाजी से जो भी चीज देखता था पूछता था, दादाजी बताते गए बताते गए बताते, और ब्रेन में तो इतना पावर है कि कुछ भी इसमें समा सकता है। जितना आप नॉलेज डालोगे, सारा का सारा नॉलेज उसमें बरकरार रहेगा। ये हमारे ब्रेन की बहुत अच्छी पावर है, बशर्ते आपको डालना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है, जिज्ञासा अगर रहेगी उसके बाद आप सब कुछ करेंगे तो ध्यान थोड़ा भटकता है। आज पढ़ने बैठे, मन किया पढ़े, कल नहीं पढ़े, परसों नहीं पढ़े, ठीक है। तो पढ़ना सीखा, हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे कि पढ़ना कैसे सीखेंगे। अच्छा, इसमें कितने लोग साइकिल चला लेते हैं? साइकिल चलाना कैसे सीखे? हैंड्स डाउन। पहले दिन साइकिल पे बैठे चला लिए? पर डे आपको मेहनत करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा ना। आप बैठे होंगे, बैलेंस नहीं बना होगा, तो आपने सीखा ना, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट था। ऐसे ही पढ़ना होता है, पढ़ने को सीखिए, पढ़िए मत, पहले पढ़ने को सीखिए, ठीक है। उसमें अपने स्टेमिना को बिल्डअप करिए। अगर आपसे मैं पूछूं इसमें कितने लोग, अगर मैं पैदल छोड़ दूं दौड़ के जाने के लिए, कितने किलोमीटर दौड़ जाएंगे एक बार? लगभग एक, मैं मान के चलूं 1, 2, 3 इतना ही किलोमीटर है। क्या आपकी स्टेमिना इतनी ही है? मैं दावा कर रही हूं कि अगर आपको छोड़ दिया जाए, आपकी स्टेमिना के हिसाब से 50 किलोमीटर से कम नहीं दौड़ोगे। लेकिन आज क्यों नहीं दौड़ पा रहे? क्योंकि हमने अपनी स्टेमिना बढ़ाई नहीं है। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दिन दौड़िए 1 किलोमीटर, दूसरे दिन नहीं दौड़ना है, दूसरे दिन नहीं मतलब दूसरे दिन ज्यादा नहीं करना है, 1 किलोमीटर 10 दिन दौड़िए। फिर 11वें दिन बढ़ाइए ना, 11वें दिन फिर 2 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट करिए। धीरे 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 करके आप देखिए, आपकी बॉडी में भगवान ने ऐसा ही संरचना बना के भेजा है कि आप एक दिन ऐसा आएगा 365 दिन दौड़ लेंगे तो आप पूरा का पूरा 50 किलोमीटर दौड़ जाएंगे। ये स्टेमिना है आपके अंदर, इस बात का मैं दावा कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन चीजें क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं। आज दौड़ेंगे, कल दौड़ेंगे, और नहीं तो इसमें कुछ लोग काली माता बन जाएंगे, ठीक है, दौड़ जाएंगे 1 दिन में 100 किलोमीटर, और फिर उसके बाद टाइम टाइम फिस, यही तो होता है ना। तो वो नहीं करना है, एकदम जैन रूप नहीं हासिल करना है। पहले आपको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना है। पहले दिन 1 पेज पढ़िए। अगर आज आपका मन बिल्कुल नहीं लगता है इन सब चीजों में, तो पहले दिन 1 पेज पढ़िए। 10 दिन तक रोजाना 1-1 पेज ही पढ़िए। अगले दिन 2 पेज पढ़िए, ठीक है। 11वें दिन फिर 2-2 पेज बना के रखिए। फिर ऐसे डेली बेसिस पे जब आप बढ़ाएंगे ना, तो आपकी स्टडी अपने आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक बैठे 8-8 घंटे पढ़ लोगे, पढ़ लोगे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हो सकता है, होता भी है, संभव है ना। ऐसे लोग जो पढ़ते हैं 8-8 घंटे, हम क्यों नहीं? और उसके लिए एक 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 चीज और चाहिए, क्या? कि जो हमको अगले 10 दिन करना है वो कहीं एक जगह लिखा हो। और ये लिखने के लिए ही आज के स्कूल लाइफ में आप लोग जानते हैं कि स्कूल डायरी मिलती है, उसमें मेंशन होता है कि आज कितना कितना होमवर्क किस सब्जेक्ट में हमने किया है, ठीक है। वो डायरी भरना स्कूल में इसीलिए सिखाया जाता है कि जब आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे या फिर जब आप बड़े होकर जॉब करने लगेंगे, तब वहां स्कूल डायरी नहीं मिलेगी। 25 रुपए की डायरी स्कूल वाली भरेंगे तो आप फिर अलग से अपनी डायरी मेंटेन करेंगे और फिर उसमें अपने काम को लिखेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू टुडे, आज क्या क्या करना है। समझ में आ रही है? तो ये डायरी मेंटेनेंस इसीलिए स्कूलों में सिखाया जाता है ताकि आप इसको अपने पूरे लाइफ भर करें और फिर आपसे कोई भी काम बचेगा ही नहीं। जितना आपने नोट डाउन कर दिया वो शाम तक फिनिश होना ही होना है,
वो चाहे स्कूल की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, या अपने मम्मी पापा से आप बताइए, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो पूरे काम नहीं कर पा रहे, डायरी मेंटेन करें, बहुत इजी है। और आप भी बड़े होके ये काम करिए, तो ये सही समय है स्कूल में, इसीलिए चीजें सिखाई जाती हैं। उसको क्यों सिखाई जा रही है इस बात पे जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो आज मैंने जितनी बातें आपको बताई उसको आप लोग प्रॉमिस करिए कि अपने लाइफ में उतारेंगे, और एक दिन इसी में से कोई डीएम बन के आएगा, मैं डीएम बन गई, ठीक है, कोई आर्मी ऑफिसर बन के आएगा, ठीक है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, थैंक यू।